आप देख रहे हैं समय न्यूज आवाम की आवाज। बेलगहना नगर और आसपास के क्षेत्र में बड़ी अकीदत से मोहर्रम मनाया गया। लोगों ने ताजिया निकाली और गम का इजहार किया। जगह जगह लंगर बांटे गए। इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हजरत इमाम हसन और हुसैन की शहादत को याद किया। इस्लामी कैलेंडर के पहले माह मुहर्रम की 10वीं तारीख को हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन के साथ ही उनके 72 साथियों की शहादत की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। हजरत इमाम हुसैन अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत अली के पुत्र थे। हजरत इमाम हुसैन अपने नाना की गोद में पले बढ़े थे। उन्होंने बचपन में इस्लाम को फलते फूलते देखा था। उसको यजीद के हाथों नष्ट होता नहीं देख सकते थे। जब क्रूर शासक यजीद ने इमाम हुसैन से कहा कि तुम मुझे इस्लाम और मुसलमानों का उत्तराधिकारी स्वीकार कर लो, तो हजरत हुसैन ने उन्हें खलीफा मानने से इनकार कर दिया। इस पर इमाम हुसैन का कत्ल करने के उद्देश्य से उनका पीछा करती हुई यजीद की सेना करबला पहुंच गई, जहां चारों ओर से घेर कर इमाम हुसैन और उनके परिवार और साथियों का कत्ल कर दिया गया। इन्हीं की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। मुहर्रम पर नगर में निकाली गई ताजिया परंपरा के अनुसार मुख्य मार्गों से होती हुई करबला पहुंची। इस दौरान लोगों ने हसन और हुसैन के नारे लगाते हुए गम का इजहार किया। डीपरापारा चौक में सुलेमान खान और उनके साथियों ने आम लोगों को रोक कर लंगर बांटे और इसमें हिंदू धर्मावलंबियों ने भी हिस्सा लिया। आज इस्लामी के मुताबिक हमारा नया साल का 10वीं तारीख है। मुहर्रम उल हराम का 10वीं तारीख है। इस रोज इमाम हसन हुसैन की याद में हम मुहर्रम मनाते हैं। इस रोज गरीबों को कपड़ा खैरात बांटा जाता है। सभी धर्म के लोगों के लिए लंगर का इंतजाम किया जाता है। जो जो मन्नतें मांगने वाले आते हैं, नारियल मिठाई सब लेकर आते हैं, उसको भी बंटवाया जाता है। ये हजरत इमाम हसन हुसैन के याद में मनाया जाता है। हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नवासे थे। मुहर्रम की पहली तारीख से 10वीं तारीख तक रोज यहाँ लंगर का इंतजाम किया गया है। आसपास के 5-7 गांव के लोग डेली आते हैं और लंगर खा के जाते हैं। 10वीं तारीख है और हमारे मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर साहब के नवासे इमाम हुसैन की याद में, जिनने इस्लाम कायम किया दुनिया में, उनकी याद में आज हम लोग अपने गांव में 10 दिन से बराबर लंगर जारी है। जहां पर गरीब लोगों, यतीम और सभी लोगों को लंगर खाने का काम किया गया, जिसमें पूरे मुसलमान भाई, हिंदू मुसलमान सब शरीक होकर एक साथ जश्न आज मनाए। और इस बात से खुशी हम लोगों को इस बात की है कि हम लोगों ने अमन के लिए, अपने देश के लिए भी इस बात में हर कोई शांति चाहते हैं और हमारे देश में, पूरे हिंदुस्तान में इसका अच्छी खबर पहुंचे, जिससे कि हिंदू मुसलमान हमेशा एक रहें। और हमारा इस्लाम भी यही कहता है, हमारा धर्म कहता है कि हम एकजुट रहें। इस्लाम मोहब्बत फैलाने वाली धर्म है। ये बहुत अच्छी गतिविधियों से जमाने से चले आ रहे हैं। हमारे इमाम हुसैन करबला में खुद शहीद हुए और अपने नाना के उम्मत दिलाने की, हम उम्मती लोगों के बख्शवाने के लिए हमारे अपने नाना के उम्मतियों के सदके में इमाम हुसैन खुद कत्ल हो गए, परंतु अपने आवाम को किसी प्रकार का किसी भी नुकसान में नहीं किए, जिसके कारण आज इस्लाम दुनिया में हरा भरा और कायम है और शांति का प्रतीक है। इस मुहर्रम से हम लोगों को ये जानना समझना चाहिए कि हमारे बुजुर्ग, हमारे इस्लाम के जो धारक हैं, उनने कभी लड़ाई झगड़ा या किसी प्रकार का विवाद नहीं चाहा। उस इस मुहर्रम के अवसर पर आज के दिन से पूरी तरह से दुनिया में शांति अमन चाहने के लिए ये मुहर्रम मनाया जाता है उनकी याद में। और हम मुसलमान इस बात से बहुत ही अच्छे तरीका से इस देश में। बेलगहना से रवि राज रजक की रिपोर्ट।